साइबर क्राइम के बारे में आपने बहुत सुना होगा, लेकिन साइबर क्राइम की एक ऐसी अंधी दुनिया है जहां हर कोई नहीं पहुंच सकता। यहां पहुंचते हैं अपराधी, आतंकी या फिर एंटी सोशल एलिमेंट। हम बात कर रहे हैं डार्कनेट की, जिसने दुनिया में खलबली मचा रखी है। डार्कनेट की दुनिया में साइबर क्राइम होते हैं, जिन्हें डीप वेब भी कहा जाता है। साइबर वर्ल्ड की दुनिया में नया खतरा, इंटरनेट की अंधी दुनिया में साइबर क्राइम, डार्कनेट के खतरे से सहमी दुनिया, इंटरनेट सर्विस जो आपकी और हमारी जिंदगी का अहम हिस्सा है, इंटरनेट जिसके बिना जिंदगी अधूरी सी जान पड़ती है, उसका एक स्याह चेहरा ऐसा भी है जिसे डार्कनेट या डीप वेब कहा जाता है। जी हाँ, डीप वेब एक ऐसा वेब सिस्टम जो साइबर अपराधियों के लिए जन्नत है। यहाँ पर ड्रग्स बेचे जाते हैं, यहाँ पर हथियारों की खरीद फरोख्त होती है, और तो और यहाँ पर मर्डर के लिए ऑनलाइन सुपारी भी दी जाती है। ड्रग्स की बिक्री होती है, गन्स की बिक्री होती है, हैकिंग के टूल्स बिक्री किए जाते हैं, सॉफ्ट जो वल्नरेबिलिटीज होती हैं जिनको हम जीरो डे एक्सप्लॉइट्स बोलते हैं, वो बिक्री किए जाते हैं। दरअसल डार्कनेट को इस्तेमाल करने के लिए TOR ब्राउजर की जरूरत पड़ती है। इस ब्राउजर के साइड इफेक्ट ये हैं कि इसे इस्तेमाल करने वालों की पहचान गोपनीय रहती है, प्रतिबंधित मटेरियल्स की बोली लगाने वाले या उसे खरीदने वालों की आईडी का भी पता नहीं चलता। दरअसल डार्कनेट का नेटवर्क कुछ इस कदर फैला होता है कि इसके आखिरी लेयर तक पहुंचते पहुंचते यूजर की आइडेंटिटी लगभग खत्म हो जाती है। इतना ही नहीं, साइबर अपराधी भी पुलिस से ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं। एक टेक्निक होती है अनियन रूटिंग, जिसमें कि एक जैसे अनियन की लेयर्स होती हैं, वैसे ही ये जो प्रॉक्सी लेयर्स बनती जाती हैं, लॉट ऑफ अनोनिमस जैसे कहते हैं प्रॉक्सी सर्वर्स को यूज़ किया जाता है, जिससे कि असली पर्सन जो है जो ये काम कर रहा है उस तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। खतरे की बात यह है कि दुनिया में कहीं से भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। भारत में बैठकर सात समंदर पार अमेरिका में किसी शख्स की सुपारी तक दी जा सकती है। डार्कनेट पर होने वाले अपराधों पर एक नजर डालें तो यहाँ हथियार बेचे जाते हैं, ऑनलाइन सुपारी दी जाती है, मानव तस्करी होती है, ड्रग्स डीलिंग होती है और हैकिंग होती है। पूरी दुनिया की पुलिस डार्कनेट नेटवर्क के तार को सुलझाने में लगी है, लेकिन इसका मकड़ जाल ऐसा है कि पुलिस के लिए भी ये किसी पहेली से कम नहीं है। रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। डार्कनेट की ये दुनिया कैसे अपराधियों के लिए सेफ हेवन बनती जा रही है, कैसे वो इसके लिए दुनिया की पुलिस को छकाते हैं और आखिर कैसे काम करती है डार्कनेट इंटरनेट पर, हम आपको ये भी समझाने की कोशिश करते हैं। साइबर वर्ल्ड के लिए सिरदर्द बन चुके डार्कनेट को जितना रोकने की कोशिश की जा रही है, वो उतनी ही तेजी से पैर पसारता जा रहा है। बात अगर डार्कनेट के काले बाजार की करें तो एक स्टडी के मुताबिक 2014 में इस मार्केट में 37% का ग्रोथ हुआ है। डार्कनेट के 10 बाजारों में 68,738 से ज्यादा प्रोडक्ट्स मौजूद हैं। साल 2013 के मुकाबले 2014 में 50,000 से ज्यादा तबाही के प्रोडक्ट डार्कनेट से जुड़ चुके हैं। 2013 में तकरीबन 18,000 प्रोडक्ट्स यहां मुहैया थे। ये वो तबाही के सामान है जिसका इस्तेमाल बड़े पैमाने पर ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के लिए किया जाता है। इन सब के अलावा कई ऐसे छोटे मोटे प्रोडक्ट्स भी हैं जिनका इस्तेमाल दूसरे जुर्म में किया जा रहा है। तो इसलिए डार्कनेट में न केवल साइबर क्रिमिनल्स हैं, साइबर रेडिकलिस्ट हैं, साइबर टेररिस्ट हैं, साइबर एक्सट्रीमिस्ट हैं, बल्कि तमाम से वो लोग भी हैं और वो गुट भी हैं जो नॉर्मल जिंदगी में लेजिटिमेट एक्टिविटी करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की मॉनिटरिंग से परेशान है। पिछले कुछ दिनों में दुनिया भर की एजेंसियों ने डार्कनेट नेटवर्क से चलने वाले कुछ ऐसे ही बाजारों के नाम का पता लगाने में कामयाबी हासिल की है जिनमें ज्यादातर ड्रग्स के आइटम्स मौजूद हैं। अगोरा के मार्केट की बात करें तो यहाँ 25,440 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 16,900 ड्रग आइटम्स हैं। इसी तरह निकुलर्स मार्केट में 13,922 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 9,154 ड्रग आइटम्स हैं। अल्फाबे के 10,401 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 4,217 ड्रग्स आइटम्स हैं। ब्लैक बैंक मार्केट में 10,208 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 6,434 ड्रग्स आइटम्स हैं। इसी तरह मिडिल अर्थ की बात करें तो यहाँ 5,333 प्रोडक्ट्स हैं, जिनमें से 3,666 ड्रग्स आइटम्स हैं। खुद अपने आप में ये एक बाजार है,
उस बाज़ार में ऐसी चीज़ें भी उपलब्ध हैं जिनसे मानवता को बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है। जैसे मैंने बताया, ड्रग्स की बिक्री है, डेंजरस वेपन्स की बिक्री है, तरह तरह के हैकिंग के टूल्स या टेक्निक्स की बिक्री है। ऐसा नहीं है कि डार्कनेट का इस्तेमाल कर इन बाजारों के रेगुलेटर केवल ड्रग्स के ही सप्लाई करते हैं, बल्कि हथियारों की सप्लाई, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग को भी यहां बखूबी अंजाम दिया जाता है। लेकिन इन पांच बाजारों में ड्रग्स माफियाओं का बोलबाला ज्यादा है। रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। आज बात हो रही साइबर आतंक, जिसका साया पूरी दुनिया पर मंडरा रहा है। डार्कनेट की अंधी दुनिया का खतरा दुनिया के साथ साथ हिंदुस्तान पर भी है। नक्सलवाद, आतंकवाद से हम पहले ही जूझ रहे हैं। ऐसे में डार्कनेट में काम करने वाले भारत विरोधी तत्वों को न सिर्फ ढूंढना बल्कि उनके नेटवर्क को तोड़ने की चुनौती भी भारत के सामने मुंह बाए खड़ी है। साइबर क्राइम की दुनिया में डार्कनेट का नाम भले ही आम लोगों के लिए नया हो, लेकिन डार्कनेट का खतरा इतना बड़ा है कि इसका ताल्लुक सीधे तौर पर देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। डार्कनेट का सबसे खतरनाक पहलू ये है कि साइबर की इस अंधी दुनिया में राष्ट्र विरोधी तत्वों के लिए ये सेफ हैवन यानी जन्नत मानी जाती है, जहां वो न सिर्फ भारत के खिलाफ प्लानिंग कर सकते हैं बल्कि भारत विरोधी कार्रवाई को अंजाम तक पहुंचा सकते हैं। जानकारों के मुताबिक डार्कनेट के जरिए आतंकी साइबर सिस्टम में घुसपैठ कर सकते हैं। डार्कनेट के जरिए हैकिंग के सारे उपकरण खरीदे बेचे जा सकते हैं। इतना ही नहीं, इस अनजान दुनिया में घातक हथियारों की खरीद फरोख्त भी की जा सकती है, और वो भी किसी की नजर में आए बगैर। जानकारों के मुताबिक साइबर आतंकी डार्कनेट के जरिए कभी भी कोई भी बड़ी तबाही मचा सकते हैं। डार्कनेट इंटरनेट की वो दुनिया है, अंधेरी दुनिया, जहां पर आपराधिक गतिविधियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और आमतौर पे जब आप गूगल या किसी और माध्यम से हम इंटरनेट को जब सर्च करते हैं तो उसकी लेयर्स तक, जो डार्कनेट की लेयर्स तक हम नहीं पहुंच पाते, उसके लिए स्पेशलाइज्ड सर्च इंजन्स होते हैं और उनकी जो इंटरनेट के एड्रेस होते हैं वो नंबर्स में होते हैं ज़्यादातर। इंटरनेट की दुनिया में डार्कनेट का खतरा सिर्फ आतंकियों से ही नहीं बल्कि नक्सलियों और धर्म के नाम पर ब्रेन वॉश करने वालों से भी है। डार्कनेट की दुनिया में पहचान गुप्त रहती है और एक खास किस्म का आईपी एड्रेस और पासवर्ड होता है, इसलिए जांच एजेंसियां इन तक नहीं पहुंच पाती। क्योंकि डार्कनेट न केवल साइबर क्रिमिनल्स अडॉप्ट कर रहे हैं बल्कि हर वो व्यक्ति अडॉप्ट कर रहा है जो चाहता है कि सरकार उसे मॉनिटर ना कर सके और वो स्वतंत्र स्वच्छंद रूप से अभी अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सके। इतना ही नहीं, डार्कनेट का पूरा सिस्टम इस तरह डिजाइन किया गया होता है कि हमला किस देश में बैठकर या किस जगह से किया गया है ये पता लगाना लगभग नामुमकिन होता है। सिर्फ एंटी सोशल एलिमेंट्स का ही खतरा नहीं बल्कि साइबर अपराधियों और हैकर्स के अलावा डार्कनेट का इस्तेमाल देशों की खुफिया एजेंसियां भी एक दूसरे के खिलाफ करती हैं। देखिए, डार्कनेट जो है बहुत सारे साइबर क्रिमिनल्स इस टाइम यूज़ कर सकते हैं और स्पाइज काफ़ी यूज़ करते हैं। इसका मेन पर्पस ये होता है कि एक्चुअल आईपी एड्रेस नहीं दिखे, तो अगर कोई एक्टिविटी करी जाए जैसे डाउनलोडिंग है, अपलोडिंग है या कोई भी पर्टिकुलर मैसेज किसी को भेजा जा रहा है तो उसका एक्चुअल आईपी, उसकी ट्रैकिंग नहीं हो पाए। डार्कनेट हमले का खतरा भारत पर ज्यादा है क्योंकि साइबर क्राइम से लड़ने के लिए फिलहाल देश के पास कोई खास रणनीति नहीं है। साल 2012 में राष्ट्रीय सुरक्षा नीति बनी लेकिन ये भी साइबर हमलों को रोकने में ज्यादा मददगार साबित नहीं हुई है। डार्कनेट के नए खतरे को देखते हुए जरूरत है एक स्पेसिफिक रोड मैप बनाने की ताकि साइबर आतंक से देश को महफूज रखा जा सके। डार्कनेट का इस्तेमाल कर किसी भी राष्ट्र की सुरक्षा व्यवस्था पर हमला किया जा सकता है और उसकी गुप्त जानकारियां चुराई जा सकती हैं। और जानकारों की माने तो भारत में इसका खतरा बहुत ही ज़्यादा है क्योंकि भारत में अभी तक डार्कनेट या साइबर सिक्योरिटी को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज नेशन, दिल्ली। साइबर आतंक से लड़ने के लिए दुनिया एकजुट हो रही है। हाल ही में इंटरपोल ने इस मुद्दे पर सिंगापुर में एक अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस भी की थी। डार्कनेट का खतरा दुनिया को डरा रहा है। साइबर वर्ल्ड में डार्कनेट ने मचाई खलबली। डार्कनेट के बढ़ते मामलों और खतरों को इंटरपोल ने काफी गंभीरता से लिया है और इससे बचने के लिए इंटरपोल ने दुनिया भर की पुलिस को ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है। जुलाई के महीने में इंटरपोल ने सिंगापुर में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस किया जिसमें कई देशों के पुलिस अफसर शामिल हुए।
जिन्हें खास तौर पर डार्कनेट के जरिए किए आपराधिक वारदातों को सुलझाने की ट्रेनिंग दी गई। ये पहली बार था जब इंटरपोल ने साइबर क्राइम से जुड़े किसी मामले को इतनी गंभीरता से लिया। ट्रेनिंग के इस पहले दौर में ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, घाना, हांगकांग, इंडोनेशिया, जापान, नीदरलैंड्स, सिंगापुर, श्रीलंका और स्वीडन की पुलिस को डार्कनेट के बारे में बताया गया। उन्हें डार्कनेट के मामलों से निपटने में सक्षम बनाने के लिए इंटरपोल ने एक अपना डार्कनेट नेटवर्क तैयार किया है। कि डार्कनेट पे क्योंकि बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, एक आम धारणा मानी जाती है कि डार्कनेट पर कानून है ही नहीं, ये वाइल्ड वाइल्ड वेस्ट है, जिसकी जो मर्जी जो करना चाहे करता है। बट कहीं ना कहीं अब अधिकांश से जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हैं, पुलिस अधिकर्मी हैं, अब वो कोशिशें कर रहे हैं कि वो डार्कनेट पर जा सकें, जो बहुत घिनौने गैरकानूनी गतिविधियां हैं उनको वो टारगेट कर सकें और उनके विरुद्ध कानूनी प्रोसिक्यूशन भी प्रारंभ कर सकें। दुनिया भर के साइबर एक्सपर्ट्स का मानना है कि लॉ पुलिसिंग साइबर मामलों में स्मार्ट बनाया जाए, क्योंकि ये खुली हकीकत है कि साइबर क्रिमिनल्स डार्कनेट के बारे में जितनी समझ रखते हैं, दुनिया भर की पुलिस उसके आसपास भी नहीं है। कहते हैं कि जो डार्कनेट पर साइबर क्रिमिनल्स हैं वो पुलिस अधिकर्मियों से 500 मील आगे चलते हैं। इतना बड़ा फासला ऑलरेडी है। क्यों? क्योंकि अधिकांश से लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज अभी डार्कनेट के बारे में जानती नहीं है। साइबर क्राइम में डार्कनेट का खतरा भले ही नया हो, लेकिन अब पूरी दुनिया इसके खतरे से निपटने में जुट गई है। यूं तो डार्कनेट बाजारों में तबाही और बर्बादी के हर सामान मुहैया है, लेकिन सबसे ज्यादा कारोबार ड्रग्स का हो रहा है, जो दुनिया भर के एजेंसियों के लिए एक चिंता का विषय है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल शर्मा के साथ रिजवान आरिफ, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।